हेलो। और रास्ता चालू है। हाँ, नहीं हो रहा सर। हा, आ गए आप। फेसबुक आपका स्वागत करता है। हा, मैं अकेला नहीं हूँ। मेरे साथियों से मिलना चाहोगे तो देखो। मैं व्हाट्सएप, ये पूरी दुनिया मेरी मुट्ठी में है। बच्चा, बूढ़ा, जवान, सब दीवाने हैं मेरे। गूगल, गूगल नाम है मेरा। मैं वो भी जानता हूँ जो तुम्हारा भगवान नहीं जानता। इस वर्ल्ड, इस दुनिया का बेताज बादशाह हूँ मैं, बेताज बादशाह। इस नाचेस को ट्यूटर कहते हैं। बताओ, इस नाचेस को क्या कहते हैं? नेता, अभिनेता, पत्रकार, खिलाड़ी, कोई मेरे बगैर नहीं रह सकता। मैं हूँ इंस्टाग्राम, मैंने युवाओं को पागल कर रखा है। सुनो, वो दिन दूर नहीं जब ये सारी दुनिया हमारे इशारे पर नाचेगी। क्या बात है बेटा, सारा दिन भर इस मोबाइल से ही चिपकी रहती हो। दिन भर बस चैटिंग चैटिंग चैटिंग। इस लड़की का दिमाग खराब करके रखा है सोशल मीडिया ने। मैं टाइम वेस्ट नहीं कर रही हूँ मामा। आप क्या जाने, एक कमरे में बैठा बैठा इंसान इस पूरी दुनिया से बात कर सकता है। ये मोबाइल नहीं, दुनिया की खिड़की है। खिड़की क्यों हाथ धोकर मेरी बेटी के पीछे पड़ी रहती हो? नया जमाना है, नए दौर की लड़की है, वह कुछ गलत नहीं करेगी, चिंता मत करो। वह मेरी बेटी है, मेरी। ठीक है भाई, आप दोनों से तो भगवान भी नहीं जीत सकता। थैंक यू पापा, यू आर सो स्वीट। मेरे ऑनलाइन फ्रेंड्स मेरा वेट कर रहे होंगे। ओह नो, ओह माय गॉड, मेरी आईडी किसी ने हैक कर दी, मेरा फ्यूचर बर्बाद कर दिया। भगवान का नाम मत लो, क्योंकि मैं जहाँ होता हूँ वहाँ भगवान नहीं हो सकता। तुम कौन हो? मैं कौन हूँ ये इम्पोर्टेंट नहीं, पर तुम मेरा शिकार हो चुकी हो, मेरा नया शिकार। मम्मी, मम्मी। क्या बात है बेटा? कुछ नहीं मम्मा, चूहा था। नहीं नहीं कॉकरोच, तूने तो मुझे डरा ही दिया था। चल अब सो जा। मैं तुमसे हाथ जोड़ती हूँ, मैं तुमसे विनती करती हूँ, मुझे परेशान मत करो, प्लीज आई रिक्वेस्ट यू। क्या मिस्टेक हुई मुझसे? मुझे मिस्टेक से प्यार है और मैं इंतजार करता हूँ कि कोई मिस्टेक करे, और जब भी कोई मिस्टेक करता है मैं उसे माफ नहीं करता, वो मेरे जाल में फंस जाता है, धीरे 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 और भी मेरी गिरफ्त में आता चला जाता है और उसकी जिंदगी फिनिश। तुम जानते नहीं हो मैं कौन हूँ, मेरे पापा को तुम पहचानते नहीं हो, जेल में भिजवा देंगे तुम्हें, सड़ोगे तुम जेल। बेवकूफ लड़के,
जेल में और मैं मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। योर लाइफ इज ओवर फिनिश। जो हो रहा है वो तुमने ही किया है, तुम खुद जिम्मेदार हो इसके लिए। रात दिन चिपकी जो रहती थी मोबाइल से। आप खड़े खड़े क्या देख रहे हैं, जल्दी से डॉक्टर को फोन लगाइए। हेलो डॉक्टर साहब, जल्दी से घर आइए, पता नहीं अचानक मेरी बेटी को क्या हो गया है। एक और शिकार, तुम्हारे 5000 फेसबुक फ्रेंड हो गए पर तुम्हारा एक भी फ्रेंड तुम्हें मुझसे नहीं बचा सकता। हा 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 हा, मैं सर्वशक्तिमान हूँ। आई एम द मर्सेस, हाँ मैं दलदल हूँ। आई एम द गॉड। हा देखिए, घबराने और चिंता करने की कोई बात नहीं है। सोशल मीडिया के ज्यादा उपयोग करने से इसकी ऐसी हालत हुई है। तो डॉक्टर साहब अब हम क्या करें? अब इसको जरूरत है आपकी, आपके अपनेपन की, प्यार की। इसको ज्यादा से ज्यादा समय दे। अब इसको फेसबुक फ्रेंड्स के साथ नहीं, इसके रियल फ्रेंड्स के साथ रहने की जरूरत है। इसकी स्थिति जल्द ही सामान्य हो जाएगी। देखा किस तरह तुम्हारा समाज स्पेशली यूथ हमारे कब्जे में है। इस तरह से ये वास्तविक दुनिया एक दिन मिट जाएगी और रह जाएगी हमारी काल्पनिक दुनिया। हमारी काली परछाई इस दुनिया पर हुकूमत करेगी। भाई भाई का नहीं रहेगा, बेटा बाप का नहीं रहेगा, बेटी माँ की नहीं रहेगी। हर किसी का रिश्ता हमसे होगा। हम सब रिश्तों पर बाड़ी पड़ेगी और दुनिया वास्तविक रिश्तों को भूल जाएगी। हा हा हा, हमारा अगला शिकार कोई आप में से हो सकता है। मेरे सवाल आप सभी से है, इस मोबाइल ने क्या हालत कर दी है आपकी? हर घर में हर कोई चिपका पड़ा है इस मोबाइल से। अगर आप भी अपने बच्चों से प्यार करते हैं तो मत दीजिए उनके हाथों में मोबाइल बम। कहिए बम आपका चिराग और आपके घर को न चला दे, इससे दोस्ती ठीक नहीं है। तो ठीक है, याद रखना मेरी बात, आज के बाद कोई भी अपने बच्चों के हाथों में मोबाइल नहीं देगा।